Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Quadratic Equations and Functions, चैप्टर नंबर वन ऑफ बुक D3. और इसके अंदर आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की साबित होने वाली है. तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अक्सर बच्चे भागते हैं, लेकिन अगर जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ इसको आप फॉलो कर लें तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिटरली मोहब्बत हो जाएगी और आप कभी भी भागेंगे नहीं, बल्कि आप कहेंगे कि भाई मुझे और लाओ और क्वेश्चंस दो, मैं और सॉल्व करूं. जिस तरह से ज़कूटा जैन कहता है कि मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं. तो भाई एक्सरसाइज 1A के बेसिक लेवल के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया था. आज बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, और मेथड नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने देख लिया था कि भाई सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइज कर लो, फैक्टर्स बनाओ और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो. क्योंकि ये हमारे पास बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है तो इसके अंदर हमारे पास जो सबसे बड़ा वेरिएबल होता है वो स्क्वायर होता है, इसलिए हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज निकलती हैं. अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और ये मेथड नंबर 2 यहां पर अप्लाई होगा. क्यों अप्लाई होगा जरा आप गौर से देख लीजिए, ठीक है. दूसरा मेथड क्या होता है कि आपको यहां पर कह रहे हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस गिविंग योर आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी, ठीक है. यहां पर आपको इन्होंने इक्वेशन किस तरह से दी है कि एक तरफ आपके पास इन्होंने पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, ठीक है, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ भी आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है. जब भी इस तरह से आपके पास कोई इक्वेशन होगी आपने सिंपली क्या करना है कि स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है दोनों तरफ, और इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी, और उसके बाद इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लेना है. तो पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं, जरा देखते हैं इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. अब यहां पर फैक्टर्स बनाने की कोई झंझट नहीं है बच्चों, सिंपल आपने कहा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है. बी डॉट एस का मतलब है बोथ साइड्स, आप पूरा लिख लीजिएगा. जैसे ही मैं रूट लूंगी दोनों तरफ तो आप देख सकते हैं मेरे पास इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, और 9 भी मेरे पास 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये बात मुझे पता है. तो रूट स्क्वायर के साथ कट हो गई दोनों साइड्स के ऊपर, और मेरे पास बच गया एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3. अब यहां पर मैंने क्या गलती की है, वही बात कि हम गलतियों से अपने सीखते हैं. तो जब भी आप रूट अप्लाई करते हैं तो हमेशा रूट से पहले प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, वरना आपका सिर्फ एक आंसर आएगा, और हमेशा जो स्क्वायर का आंसर आता है मैंने आपको बताया कि हमेशा दो आंसर्स आते हैं. ये आपकी गलती अक्सर बच्चे करते हैं कि ये प्लस माइनस का साइन लगाना भूल जाते हैं. तो अगर मैं यहां पर प्लस माइनस का साइन नहीं लगाऊं तो मेरा आंसर यहां पर बच्चों क्या आएगा, ये एक्स प्लस 1 है, 1 को मैं दूसरी तरफ भेज दूं तो ये मेरा बन जाएगा 3 माइनस 1, और मेरा आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 2, जबकि ये मेरा हाफ आंसर है, कंप्लीट आंसर नहीं है. अब यही देखिए कि यहां पर मेरे पास प्लस और माइनस दोनों हो तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, ये प्लस का आंसर आ जाएगा, और दूसरी तरफ मेरे पास एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3 का आंसर आएगा. अब देखिए मेरा आंसर कैसे चेंज हो जाता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3, इधर मैंने माइनस 1 किया तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4, और इस तरह से मेरे पास दो आंसर्स आ गए, दो वैल्यूज निकल आई एक्स की जो कि बिल्कुल करेक्ट है. तो ये पहली गलती थी, आपने अच्छी तरह से याद रखना है जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपने हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस का इजाफा करना है, दोनों साइंस का इजाफा लाजमी करना है, वरना आपके पास सिर्फ एक आंसर आएगा और आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा. इसी तरह हम पार्ट डी सॉल्व करते हैं. तो अब यहां पर मैंने दोनों साइड्स पर रूट ले लिया, ठीक है, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और हमारे पास यहां पर आंसर देखिए क्या आता है, 7 माइनस 3 एक्स टू द होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इस पूरे रूट से ये स्क्वायर कट हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस माइनस है, और मैंने यहां पर रूट लगा दिया 9/16, ठीक है. अब मेरे पास यहां पर क्या आंसर आएगा बच्चों, 7 माइनस 3 एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो चलो मैंने साइन लगा दिया प्लस माइनस, उसके बाद मैंने 9 का रूट निकाला वो मेरे पास 3 आ गया, और नीचे मेरे पास 16 है तो वो 16 आ जाएगा. अब यहां पर देखिए गलती क्या है बच्चों, जब मैंने कहा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स
तो मेरे पास जो दूसरे साइड पर यानी राइट हैंड साइड के ऊपर था, तो मेरे पास ये फ्रैक्शन है। और जब हम रूट लगाते हैं बच्चों, तो पूरे फ्रैक्शन के ऊपर रूट लगता है, सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर रूट नहीं लगता। यहां पर मैंने गलती क्या की कि मैंने सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर रूट लगाया, डिनोमिनेटर के ऊपर रूट नहीं लगाया। हालांकि ऐसा नहीं होता, न्यूमरेटर पर भी रूट लगेगा और डिनोमिनेटर पर भी रूट लगेगा। तो मेरे पास न्यूमरेटर में जो आंसर आएगा, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 3 आएगा, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो मेरे पास यहां पर आंसर आएगा प्लस माइनस 3/4। और उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूंगी, तो मेरे पास यहां पर माइनस 3x एज इट इज है। दूसरी तरफ मेरे पास यहां पर एक तरफ आ जाएगा 7 प्लस 3/4 और दूसरी तरफ मेरे पास यहां पर आ जाएगा 7 माइनस 3/4। अच्छा, ये 7 पॉजिटिव था, दूसरी तरफ जाकर ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, जब आप लोग साइन लगाते हैं तो आप लोग साइंस का ध्यान नहीं रखते, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब यहां पर हमारे पास फ्रैक्शन मौजूद है, हमने सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर्स होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 4s are 28 प्लस 1 3s are 3 upon 1 4s are 4। ठीक है, और यहां पर माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 28 माइनस 3/4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास ये पूरा डिवाइड हो रहा है इससे, तो इस 3 को फिर हम यहां पर मूव कर देंगे, ये हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू माइनस 28 प्लस 3, आंसर आता है माइनस 25 अपॉन माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12। ठीक है, हमने माइनस को माइनस से कट किया, ये हमारे पास बन जाएगा 2 whole 1/12। ठीक है, ये आंसर मेरे पास आया है यहाँ पर। जबकि अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां पर मेरे पास क्या होगा आंसर, माइनस 28 माइनस 3, ये मेरे पास बन जाता है माइनस 31, नीचे आ जाएगा माइनस 12, माइनस माइनस से कट हो गया, और यहां पर मेरे पास बचेगा 12 2s are 24 और बाकी बच जाता है 7, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 2 whole 7/12। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और गलती मैं आपकी यहाँ पर हाईलाइट कर दूं बच्चों, हम पार्ट जी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर एक और गलती आप लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसके अंदर भी मुझे जो प्रॉपर्टी लगानी है वो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी लगानी है, क्योंकि एक तरफ मेरे पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया, इसको भी रूट लगाया और रूट से मैंने स्क्वायर को कट किया, तो मेरे पास आया माइनस 5 माइनस x इज इक्वल्स टू रूट 7 है, और इसको भी मैंने कट किया, तो मेरे पास यहाँ पर 7 नहीं बचेगा, क्योंकि ये 7 स्क्वायर थोड़ी है बच्चों, ये मेरे पास सिंपल रूट 7 है, तो ये मेरे पास रूट 7 का रूट 7 ही रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग अक्सर फरामोश कर देते हैं और आप समझते हैं कि यहां पर रूट है तो कोई मसला ही नहीं है, उसको अपनी मर्जी से हटा दो। ये रूट 7 7 के इक्वल नहीं है, कभी भी रूट 7 इज नॉट इक्वल्स टू 7। हाँ, अगर 7 का स्क्वायर होता तो ये रूट इस स्क्वायर को कट करता और यहां पर मेरे पास 7 बच जाता, लेकिन अभी की सूरत में थोड़ी कि रूट 7 को मैंने 7 के बराबर कर दिया, नो नॉट एट ऑल। अब मेरे पास क्या होगा, यहां पर जो रूट 7 आया इससे प्लस माइनस मैं पहले लगाऊंगी और ये मेरे पास हो जाएगा माइनस x इज इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 7 और दूसरी तरफ मेरे पास हो जाएगा 5 माइनस रूट 7। ठीक है, इस चीज को आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो पॉइंट्स के अंदर आएगा स्टूडेंट्स। अब ये देखिए हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, माइनस 5 है, रूट का आंसर मेरे पास 2.65 आ चुका है, पॉजिटिव था। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों, ग्रेटर साइन का साइन लगता है, तो यहां पर मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 2.35 और यहां पर भी मेरे पास माइनस x है, क्योंकि मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस 2.35 आ रहा है, दोनों तरफ माइनस का साइन है तो ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा और मेरे पास जो एक वैल्यू आएगी x की दैट इज 2.35। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं x से पहले जो माइनस का साइन है उसको अपनी मर्जी से रिमूव कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस चीज को भी आपने यहां पर जहन में रखना है। दूसरी तरफ मेरे पास यहां पर x की वैल्यू आ रही है माइनस माइनस, प्लस होता है साइन ग्रेटर नंबर का लगेगा, 5 प्लस 2 7 होता है तो माइनस 7.65 आंसर आया, अगेन दोनों तरफ मेरे पास माइनस है, ये कट हो गए और x की वैल्यू मेरे पास 7.65 आ रही है।
ठीक है, तो हम डेसिमल के अंदर अपना यहाँ पर आंसर लेकर आए हैं, एक 2.35 आया और दूसरा 7.65 आया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अगर आप अकाउंट फॉर नहीं करेंगे तो आप बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज की वीडियो से भी आपने जो स्क्वायर रूट वाली प्रॉपर्टी है उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड, और अपनी कॉमेंट से मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से उसका इजहार कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।